लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के दौरान आम जनता के साथ बेहतर संबंध बनाने की कवायद में जुटे नेताओं के अब नए नए अवतार नजर आ रहे हैं। इसी दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब के लुधियाना में बुधवार को ट्रैक्टर चलाया, जिसका वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में आप देख सकते हैं राहुल गांधी ट्रैक्टर चला रहे हैं और उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हैं। इनके अलावा लुधियाना से पार्टी प्रत्याशी रवनीत सिंह बिट्टू और कांग्रेस नेता आशा कुमारी भी साथ दिखे। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए 19 मई को मतदान होना है, जिसमें पंजाब की 13 सीटें शामिल हैं। यह वीडियो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाल ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। सुरजेवाल ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पंजाब में आज अपनों के बीच ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे धरती पुत्र राहुल गांधी, जज्बे को सलाम, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। राहुल गांधी लगातार किसानों का मुद्दा उठाकर केंद्र सरकार को घेरते आए हैं। चुनाव के दौरान किसानों की कर्ज माफी राहुल का सबसे बड़ा वादा था, जिसने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। ऐसे में राहुल का यह वीडियो आखिरी चरण के चुनाव में किस तरह पंजाब के किसानों को अपनी ओर खींचता है, यह चुनाव तय करेगा। बीते महीने बीजेपी सांसद हेमा मालिनी भी मथुरा में ट्रैक्टर चलाती हुई दिखी, जिसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अमर अब्दुल्ला ने उन पर निशाना साधा था। रिपोर्ट टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।